देश भर में की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। ये परंपरा आजादी के जश्न को और भी बुलंद कर देती है, जब नीला आसमान इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर होता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आपको छोड़ जाते हैं कुछ ऐसे ही रंग बिरंगे नगमों और आकाश में झूमते पतंगों के साथ। और अब बात इस हफ्ते की रिलीज एक था टाइगर की। सलमान खान और कटरीना कैफ की जोड़ी कबीर खान निर्देशक हैं और यशराज का बैनर, यानी कि दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि होगी एक धमाकेदार रिलीज। आप क्या कहते हैं, जान लेते हैं हमारे समीक्षक इस फिल्म के बारे में। पाकिस्तान की फौज पिछले 60 साल में वालों के लिए राजधानी में अगले एक साल में देश ही नहीं बल्कि विदेशों की संस्कृति भी देखने को मिलेगी। दिल्ली में तरह तरह के आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कैलेंडर का दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने लोकार्पण किया। पेश है ऐतिहासिक अभिलेख, दुर्लभ किताबें और पांडुलिपियां ऐसी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत होते हैं जो हमें अतीत से जोड़े रखते हैं। ऐसे में इन्हें बचाने की मुहिम के तहत श्रीनगर की सांस्कृतिक अकादमी ने जम्मू कश्मीर के अभिलेखीय विवरणों, दुर्लभ किताबों और पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, जिसके बाद दुनिया भर के लोग इंटरनेट के जरिए इनके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर। जयपुर जहां एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, इसमें देशभर से आए हजारों कलाकारों ने तो भाग लिया ही, साथ ही इस प्रदर्शनी में राजस्थान के खूबसूरत और परंपरागत हस्तशिल्प के नजारे भी देखे गए। वहीं देशभर के दूसरे भागों के भी बेहतरीन दस्तकारी का भी दीदार किया गया। अब 12 अगस्त को समाप्त हो रही है। सारा ओलंपिक में इतिहास बनाकर लौटे खिलाड़ियों के प्रदर्शन से काफी खुश है और उन्हें सम्मानित कर रहा है। वहीं विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत की मदद से ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को अपने तरीके से सलामी दी। खिलाड़ियों के शानदार, सारा देश गदगद है। हर कोई देश के होनहार खिलाड़ियों के जानदार प्रदर्शन पर अपने अपने तरीके से खुशी मना रहा है। इसी कड़ी में जाने माने विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने खेलों के महाकुंभ में इतिहास रचकर लौटे खिलाड़ियों की आकृति बनाई। सुदर्शन ने रेत पर लगातार 2 ओलंपिक मेडल हासिल करने वाले सुशील कुमार की मूर्ति बनाई है, साथ ही भारत द्वारा जीते गए पदकों को भी रेत के द्वारा प्रदर्शित किया है। ये जो इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, इस साल हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव हुआ है। जो इंडिया का प्राइड है वो सबसे ज्यादा हम लोग उनको सैल्यूट करते हैं। और जो ओलंपिक में जो 6 मेडल हमारा देश के नाम हुआ है, ये एक बहुत बड़ा इतिहास रचे हैं जो हमारा स्पोर्ट्स पर्सन है। तो हम लोग इस इंडिपेंडेंस डे में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और इन लोग को सलूट करते हैं कि जिन लोगों ने हमारा देश के नाम को आगे लिया हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुदर्शन की इस अनूठी पहल को अच्छा लग रहा, तो भारत का गर्व की बात है कि ओलंपिक में इतना मेडल लिया है। और ये ऐसे 8 वक्त तो सच यूजुअली देखा नहीं जाता है, तो ऐसे पूरी में आते ही ये सब इतना रियल आर्टवर्क देखा जाता, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखना। सुदर्शन पटनायक ने भारत में रेत की कला को लोकप्रिय बनाने में अहम योगदान दिया है, वो भी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। मेहमान की हरूबरू कराते हैं कला और सांस्कृतिक जगत की मशहूर हस्तियों से। तो आज हमारे साथ है मशहूर शास्त्रीय गायक जोड़ी राजन साजन मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं वसीम मिश्रा और इस वक्त हमारे राजन मिश्रा साजन मिश्रा। राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में। आपके ऊपर पहली बार डॉक्यूमेंट्री फिल्म को फिल्माया गया है जिसका कि नाम है अद्वैत संगीत। अद्वैत संगीत इसलिए नाम दिया गया कि हम लोग दो भाई गाते हैं और दो बॉडीज है लेकिन सोल एक है, तो इसीलिए ये दो लोगों के स्वर मिल के अद्वैत हो गए, एक संगीत हो गया। इसलिए हमारे डायरेक्टर साहब ने इसका करने वाले भारत का नाम रोशन करने वाले पदक विजेताओं की आइए देखते हैं कि एक झलक। मुझे दीजिए इजाजत, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ जी संगीत से। तो हम जैसे बड़े बड़े उस्ताद चाहत है लेकिन वो चीजें नहीं मिल पा रही, ये जो चाहत है इसके बारे में शशि जी आप कुछ कहना चाहती हैं, बताएं। जी हाँ, बात को यहीं से आगे लिए जा रही हूँ। और बहुत युवक ने खुद ये बात उठाई, कहते हैं कि युवा पीढ़ी दूर चली जा रही है इस चीज से, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। कहीं ना कहीं हमारे हमसे पहले जो पीढ़ी है हम में कमी आई,
बहुत ही मैकेनाइज्ड कर दी। तो गुरु शिष्य परंपरा, मैं भी गुरु शिष्य परंपरा से सीखी हुई, क्षेत्र में आई उससे पहले नृत्य मैंने गुरु लक्ष्मी वहाँ रही, उनके घर में झाड़ू लगाना, उनका खाना बनाना, ये सब बहुत अच्छा लगता था क्योंकि रियाज करने को मिलता था और एक इल्म सीखने को मिला, जिसको लेकर ये तो एक बहाना है, संगीत एक बहाना है, इससे जैसा कि आपने कहा स्पिरिचुअली एक रूप से आदमी जो है बहुत तर जाता है, ऊपर उठ जाता है।